गाजियाबाद जिले के डासना में मंदिर में पानी पीने पर मुस्लिम बच्चे की पिटाई का वीडियो देश भर में वायरल होने के बाद समाज को शर्मसार होना पड़ा है। वहीं पीड़ित मासूम से मिलने वालों का तांता लगा हुआ है। राजनीतिक दलों के लोग भी आसिफ से हमदर्दी दिखा रहे हैं। सोमवार तड़के ही देश भर के कांग्रेस की चर्चित नेता और पूर्व विधायक अलका लांबा आसिफ के घर पहुंची और परिजनों से मिलकर घटना के लिए दुख का इजहार किया। अलका लांबा ने पीड़ित परिवार के साथ हर हाल में खड़े रहने का वादा किया। जब उनकी पीड़ित परिवार से बात हुई तो पीड़ित परिवार ने बताया कि डासना के हिंदू मुस्लिम साथ रहते हैं, लेकिन कभी कोई बात नहीं हुई, लेकिन मंदिर में जब से वर्तमान पुजारी आए हैं तभी से माहौल खराब हो रहा है। अलका लांबा से पीड़ित आसिफ ने कहा कि अब कभी मंदिर नहीं जाऊंगा, लेकिन वो हमारे घर आएंगे तो खाना भी खिलाएंगे और रोटी भी खिलाएंगे। पीड़ित परिवार से मिलने के बाद अलका लांबा ने कहा कि आसिफ के साथ हुई घटना सभ्य समाज के नाम पर कलंक है। प्रदेश की योगी सरकार माहौल बिगाड़ने वालों और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने वालों को संरक्षण दे रही है। उन्होंने कहा कि मंदिर मस्जिद सभी के होते हैं, पानी पीने से मना करना शर्मनाक है। उन्होंने आगे कहा कि हिंदू धर्म ऐसी घटनाओं से बदनाम हो रहा है, जबकि हमारी संस्कृति वासुदेव कुटुंबकम की है। उन्होंने कहा कि सीएम योगी को पीड़ित परिवार से घटना के लिए माफी मांगनी चाहिए और दोषियों पर रासुका के तहत कार्रवाई करनी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो। अलका लांबा ने कहा कि भाजपा और आरएसएस देश को बर्बाद करने पर तुली है, लेकिन उनके मंसूबे देश की जनता कभी भी पूरे नहीं होने देगी। क्या राय है आपकी इस खबर को लेकर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करें ताकि हर खबर आप तक पहुंच सके।